सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बच्चे जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ना, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग चाहे तो कुछ कुछ पॉइंट नोट्स भी कर लीजिएगा। देखिए मैं सब नहीं सब इसका करवाऊंगा, नौ है ना, नौ करा कुछ हम करेंगे कुछ आप करिएगा, ठीक है। तो मिलजुल कर हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले कन्वर्जन करते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है दीपिका ने खाना खाया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्तृवाच्य में देखिए इसमें किसे दीपिका पर, देखिए सिंपल ही है ना, मतलब दीपिका ने खाना खाया, जैसे आप लोग भी खाना खाते हैं तो मान लीजिए आपका नाम राम है, राम ने खाना खाया। लेकिन अब जब इस पर हम जोर दिलवाएंगे खाना पर, ठीक है, इसमें जोर नहीं दिया, इसमें कर्म पर जोर दिया, मतलब दीपिका के द्वारा खाना खाया गया। देखिए मैंने बताया था ना कि हमें किए द्वारा का यूज करेंगे जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो वही बेसिकली हो गया। मतलब जब किसी किसी चीज़ पर फोकस कर दिया जाए, खाने पर फोकस किया जा रहा, सॉरी हमने खाना खाया है, आइसक्रीम बनाया गया है, ठीक है, दीपिका ने खाना बनाया, यहाँ पे दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया, देखिए फोकस किया गया ना। तो मैं स्टार्टिंग में उल्टा पढ़ लिया था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा अगला है, क्या अमीना आगरा जाएगी, ठीक है। देखिए सिंपल बात है, इसमें कर्म वाक में कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें कर्म पर फोकस करना है। तो क्या अमीना के द्वारा आगरा जाया जाएगा, देखिए कर्म मतलब जाने पर कितना फोकस किया जा रहा है, नहीं मतलब जाना पर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या ज़्यादा उस पर बधाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा थर्ड है, केदारनाथ में, सॉरी केदारनाथ में पूजा की, ठीक है, केदारनाथ के द्वारा पूजा, वही कुल मिलाकर के द्वारा ही लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए सर के बाद इसे कर्मवाच्य में कैसे करेंगे। चलिए अच्छा मैं देखिए लास्ट वाला बताइए, इसको आठवां वाला बताइए, इसका क्या होगा, आप लोग बस सोच लीजिए, प्रतिमा के द्वारा पुस्तकें लाई गई। हाँ बिल्कुल सही, प्रतिमा ने पुस्तकें लाई, ठीक है, सॉरी लाई जाएंगी, प्रतिमा पुस्तकें लाएंगी, ठीक है, प्रतिमा, ठीक है, आप लोग सर देखिए मेरा ये देखिए प्रतिमा पुस्तकें लाएगी, वही हो जाएगा। थोड़ा सा हम कन्वर्जन कर देते हैं, हमें इस बात का ध्यान है कि उसका भाव नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, केवल अर्थ न बदले, इस बात का ध्यान रखना, बाकी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। चलिए अशोक जैन ने पुस्तक खरीदी, अशोक जैन के द्वारा पुस्तक खरीदी गई, कौन जैन है, एक बहुत आसान है, कुल मिला जुला कर केवल के द्वारा लगाना है। देखिए अब हम कर्मवाच्य से हम कर्तृवाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे पहला हमारा बंदर द्वारा, सॉरी बंदर के द्वारा आना चाहिए, बंदर के द्वारा बच्चे को काटा गया, तो इसका सिंपल बता दें, बंदर ने बच्चे को काटा, सब सीधी बात, या तो काट लिया लिया, जैसे शब्द चेंज करेंगे ना तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे रोगी के द्वारा दवा खाई गई, तो सिंपल में क्या करेंगे, रोगी में दवा खाई, मतलब जो हम थोड़ा सा जोर दे के कर रहे हैं उसी को उल्टा सीधा करके कर रहे हैं, उसी को हम सिंपल भाषा में कर्तृवाच्य में करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग बाकी सब कर लेंगे। चलिए हम लोग लास्ट वाला कर लेते हैं, नाइन्थ वाला, कि नरेंद्र कोहली द्वारा उपन्यास लिखा गया, तो क्या नरेंद्र कोहली ने उपन्यास लिखा, तो कुल मिला जुला का सिंपल ही तो करना है, क्या करना है, हाँ जैसा दिया है उसको हम थोड़ा जिस पे जोर दिया गया उससे हम जोर हटा के सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर लें, उसी प्रकार हम भाववाच्य में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए तो और भी आसान है, तो कैसे, एक मिनट रुक जाइए, हम लोग देखिए, तो हम लोग इसमें कन्वर्ट करें, हमें इस बात का ध्यान रखें, हमेंगे केवल एक ही बात कि हमारा भाव नहीं बदलना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही, भाव जैसे हमें कर्तृवाच्य जिसे दिया गया, अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, ठीक है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता, ठीक है। तो कुल मिला जाएगा भाववाच्य में जब बदलेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, कुल जाता लास्ट में लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाएंगे आप लोग भाववाच्य बदलने के लिए, हाँ बिल्कुल सही, जाता लास्ट में लगाइए और सब बदल जाएगा। जैसे बकरी मैं करती है, बकरी से मैं किया जाता है, किया जाता है, उठा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, सोया जाता है, यहाँ पे कुल मिला जुला कर जाता है लगा देंगे तो हमारा काम ज़्यादातर केस में हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कौन सा सातवां करें, ठीक करते हैं, मोर नहीं नाचते, मोरों से नहीं नाचा जाता, हमें इस बात का ध्यान रखना, किस बात का ध्यान रखना कि अर्थ न बदले, नहीं है इसे नहीं कि नहीं आप उड़ा देंगे, नहीं वही नहीं उड़ाना, ठीक है, नेगेटिव तो नेगेटिव में कन्वर्ट, किसी को उड़ाना ढुड़ाना नहीं है। तो चलिए हम लोग लास्ट करते हैं कि सैनिक नहीं डरा, तो सैनिक से नहीं डरा गया, ठीक है। देखिए डरा मतलब डरा गया, या तो ये भी लिख सकते हैं सैनिक से, सैनिकों से, सैनिक से नहीं, सैनिकों नहीं होगा, ठीक है, सैनिक से डरा नहीं जाता, ठीक है, थोड़ा सेंस बदलना है लेकिन ये भी चल जाता है, लेकिन गया रह जाए तो और बढ़िया, ठीक है, बेस्ट हो जाएगा, बेटर, ये बेटर नहीं जाता तो बेटर है, बाकी आप कन्वर्ट करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर हमने देखिए कर्तृवाच्य भाववाच्य बदलना सीख लिया। तो अब इससे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे उल्टा, इससे तो भी आसान है,
हाँ उसे हम फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे, ज्यादा हटा देंगे। मंत्री ने मुस्कुराया, ये भी लिख सकते हैं मंत्री ने मुस्कुराया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ में आया। तो जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मिलने आके, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके, चैनल सब्सक्राइब करने का कष्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी जो ये जो चले ग्रामर की सीरीज आप ज्वाइन कर लेंगे ना, तो सारे जितने भी आपको डाउट हैं या जितने भी कन्वर्जन कोई दिक्कत भी रही, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है।